पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर भोजपुरी फिल्म लालटेन बनकर तैयार है। लालू प्रसाद के शुभचिंतकों यानी कि चाहने वालों की संख्या बिहार और उससे बाहर भी है। उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में नहीं है, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है लालटेन। जो लालू प्रसाद की राजनीति के विरोधी हैं, उनको भी यह फिल्म अच्छी लगेगी। जानकारी है कि इस फिल्म का ट्रेलर भी बनकर तैयार है। इसमें यश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का अभिनय किया है। फिल्म लालटेन के डायरेक्टर धीरू यादव हैं, प्रोड्यूसर हैं सुमन वर्मा। फिल्म में लालू प्रसाद यादव की पत्नी यानी राबड़ी देवी की भूमिका में दिखेंगी स्मृति सिन्हा। आपको बता दें कि राबड़ी देवी पर कुछ माह पहले महारानी नाम से वेब सीरीज बनी थी, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था, क्योंकि लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी दोनों रियल लाइफ में ठेठ भोजपुरी बोलते हैं। इसलिए जब फिल्म आएगी तो उसके संवाद यानी डायलॉग भी लोगों को काफी प्रभावित करेंगे। फिल्म में दिखाया गया है कि वेटनरी कॉलेज के कैंपस में रहने वाले छोटे लालू कैसे बड़े होकर मास लीडर बन जाते हैं। लालू प्रसाद की छात्र राजनीति भी इस फिल्म में दिखाई गई है। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की राजनीति से वो बिहार के बड़े नेता कैसे बन गए, यह सब इस फिल्म में है। कैसे वे सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्ष की राजनीति का देश में सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। लालू के इन्हीं कारनामों को फिल्म में बखूबी ढंग से सजाया गया है। फिल्म में लालू प्रसाद का अभिनय करने वाले यश कुमार ने कहा कि मैंने लालू प्रसाद के किरदार में डूबने की कोशिश की है, इसमें बहुत मुश्किल नहीं हुई, मैं दिन रात सिनेमा ही जीता हूँ, शायद इसलिए मैं इस किरदार को बखूबी निभा पाया हूँ, बाकी दर्शक तय करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने लालू प्रसाद के अंदर यश कुमार को मिलाने की कोशिश की है। फिल्म लालटेन में केवल लालू यादव ही नहीं बल्कि राबड़ी देवी की भी किरदार दिखेगी। लालू यादव के किरदार को इस फिल्म में यश कुमार निभा रहे हैं, जबकि उनके साथ राबड़ी देवी की भूमिका में अभिनेत्री स्मृति सिन्हा नजर आएंगी। इस फिल्म में लालू यादव के छात्र जीवन की राजनीति से लेकर राबड़ी देवी संग वैवाहिक जीवन और फिर संघर्ष के दिनों की कहानी नजर आएगी। लालू प्रसाद के बुढ़ापे को दिखाने के लिए कान के बाल आदि को भी दिखाया गया है। फिल्म में यह भी दिखाया गया कि राबड़ी देवी कैसे लालू प्रसाद यादव का साथ राजनीति में आगे बढ़ने में देती हैं। वहीं मई तक फिल्म आ जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इससे पहले हुमा कुरैशी स्टारर महारानी वेब सीरीज नजर आई थी, जिसमें 90 के दशक की राजनीति को दिखाया गया था। महारानी की कहानी एक अनपढ़ महिला के बारे में है, जो अपने मेहनत और टैलेंट से राज्य की चीफ मिनिस्टर बनती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनी लिव की इस वेब सीरीज में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी की कहानी पर आधारित बताई जा रही थी। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने इससे साफ इनकार कर दिया था। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपके लिए ये रिपोर्ट लिखी हमारे सहयोगी शुभम ने। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम अन्य वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें।